मनोकामना हो अपने मन में रख लीजिएगा। मनोकामना तो मैंने बताई है, आप देखिए मन में रखिए कुछ बताओ। जी 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 जी, और हमारा भविष्य बताने के लिए आप देख सकते हैं कि जो चिड़िया है वो आ चुकी है बाहर और एक कार्ड हमें देने वाली है। देखते हैं क्या निकलता है किस्मत में। शायद किसी शंका में है पंडित जी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, शंका में नहीं है, सोच विचार चल रहा है और सोच विचार के बाद कार्ड निकाला जाएगा। समय लिया जा रहा है, कार्ड सभी में है, समय ना रहने कार्ड बता रहे हैं। जी कार्ड सभी में है, जब आपका कार्ड पाएगा तो बाहर खींच लेगा। ये स्वतः ही निकालेंगे, कार्ड ही निकालेगा, आप देखते जाइए। देखिए नहीं निकाला, दूसरा बता रहा है, उठा के दिखाओ। अच्छा देखिए इसमें भी है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। निकाला? नहीं निकाला, फिर दूसरा बता रहा है। देखिए इसमें भी है, नहीं निकाला। तो जिस कार्ड को निकालना होगा एक खींच के बाहर निकालेंगे। देखिए 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 देखिए, तो ये कार्ड इन्होंने बाहर निकाल लिया है और इसमें है भगवान राम दरबार। इसमें राम दरबार है जिसको हम माथे से लगाते हैं और देखते हैं हमारा भविष्य क्या है। तो इसमें कुंभ राशि का शगुन विचार है पंडित जी। सबसे पहले तो मतलब दिल गदगद हो गया, कुंभ राशि ही है मेरा, पक्षी निकाला और पक्षी ने निकाला है तो कुंभ राशि ही निकला है। आप देख सकते हैं कुंभ राशि का शगुन विचार। हे प्रश्न करने वाले महाशय, शगुन का शुभ है, आपकी सोची हुई मन की अभिलाषा आपके मन माफिक पूरी होगी। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अपने मन की बात किसी से ना कहें, क्योंकि दिल आपका बहुत साफ है और कोई बात छुपा नहीं पाते और गलत बात बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपको चाहिए कि आप अपने हाथों में एक लक्ष्मी माँ का यंत्र धारण करें जिससे कि शीघ्र लाभ होगा। तो ये भविष्य हमारा बताया है पंडित जी की इस प्यारी सी चिड़िया ने, और जैसे कि इन्होंने बताया तो निश्चित रूप से ही हम इसका अनुसरण करेंगे। धन्यवाद पंडित जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।